गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआरएम एंड लेबर वेलफेयर विद मधुर। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करने जा रही 9 जुलाई 2022 का, वो है पेपर वन का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका रीजनिंग असर्शन पर बेस्ड है, तो देखते हैं रीजनिंग क्या है और असर्शन क्या है। असर्शन है मल्टीपल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी यूज फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी बहुत डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट को यूज करना चाहिए फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो प्रोसेस है कि जो कि हम बच्चों को जो पढ़ाए उनका उसी समय क्लास में टेस्ट ली, वो टेस्ट हम क्यूज के मेथड से भी ले सकते हैं, ओरल मेथड से भी ले सकते हैं। और वो टेस्ट हम इसलिए लेते हैं कि बच्चों को जो हमने पढ़ाया क्या वो बच्चे हमारी बात ग्रास्प कर पाए या नहीं कर पाए। तो अगर बच्चे हमारे बातों का तुरंत रिस्पॉन्स दे देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि बच्चों ने हमारी बात को ग्रास्प कर लिया और हम वही मेथड्स को अपनाएंगे। और अगर जब देखेंगे कि बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करें तो हम क्या करेंगे, अपने टीचिंग मेथड यानी डिफरेंट जो कि हमने दिया हुआ टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी हम जो टेस्ट करने का जो बताने का पढ़ाने का इंस्ट्रूमेंट जो भी मेथड, उसको हम चेंज करेंगे और ट्राई करेंगे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझा सकते। तो बेसिकली फॉर्मेटिव असेसमेंट वो प्रोसेस है कि बच्चों को में हम इम्प्रूवमेंट करने के लिए लाते कि जो बात हम बताएं अगर वो नहीं समझ में आया तो उनको हम उनकी वीक पॉइंट को समझें और उनको इम्प्रूवमेंट करें। अब इसका रीजन देखते हैं। रीजन क्या, फॉर्मेटिव असेसमेंट आर यूज फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट्स। फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज करते हैं क्रेडिट्स प्रोवाइड करने के लिए यानी मार्क्स देने के लिए। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम यूज करते हैं बच्चों में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उनका जो तुरंत तुरंत बताया उसी को चेक करने के लिए क्या उनको समझ में आया है कि नहीं। तो इस हिसाब से हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है कि ए इज करेक्ट एंड थर्ड ऑप्शन ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ये सही हो जाएगा। क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो प्रोसेस है ऑनगोइंग टेस्ट के लिए कि बच्चों को उसी समय उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए। आई होप आपको एक मेरी छोटी सी बात ये PYQ एनालिसिस समझ में आया होगा। समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।